खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े गला रेतकर अखबार के पत्रकार की हत्या कर दी। पत्रकार राधेश्याम शर्मा की मौत की घटना के एक घंटे बाद तक भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे जनपद के सभी पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त थे। अच्छे आदमी थे, डॉक्टर थे, टीचर भी थे, हम लोग के छोटे से पढ़ाए थे, छोटे से पढ़ा रखे थे, बहुत बढ़िया शिक्षा देते थे, डॉक्टर भी थे। हमारे परिवार में जो भी हम लोग तबीयत खराब होता था तो इनके पास रात में हो या दिन में आते थे, दवा कर देते थे, हम लोग ठीक हो जाते थे। तो हमारे घरेलू आदमी थे, घरेलू डॉक्टर थे। तो देखिए, हमारा मुकदमा चल रहा था तेज प्रताप से, जो हमारे पिताजी को गला दाब के मारने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने आया, देखा, बचाया उन सारे आदमी भग गए। जो गौरव चौधरी थे, इनके क्या बोलते हैं, तेज प्रताप के पिताजी हंसनाथ चौधरी थे, दीनानाथ चौधरी थे। तो इसमें हम लोगों के जो मुकदमा लिखवाए थे, यही लिखवाए थे पत्रकार जी। मुकदमा के पैर भी हम मैं ही लेके दौड़ता था, उनको मोटरसाइकिल से लेके जाता था। पडरौना कसियाँ जो भी कहीं जाना होता था तो उनको बताते थे कि मुझे इस जगह चलना है, तो मैं तैयार होके उनको दिन भर लेके दौड़ता रहता था पैरवी के लिए। तो रास्ते में भी ये लोग बहुत हम लोगों को घेरते थे बाइक से, फोर व्हीलर से मारने के लिए, लेकिन मैं अपना बाइक लेकर के कहीं इधर उधर छुपते हुए भागता फिरता था। तो उसके बाद से सुलह के लिए बहुत कोशिश किए, जब हम सुलह नहीं किए तो उसके बाद जान से मारने की धमकी देने लगे। हमारे गांव में जा करके ये गए थे, टहल रहे थे, हमारे गांव में अपने खेत से आ रहे थे टहलते हुए। तो एक ललिता कटियार हैं जो तेज प्रताप के घर में 2-3 साल से रहती थी, गलत तरीके से रहती थी तेज प्रताप की पत्नी बनकर। तो ललिता कटियार ने धमकी दी कि कहीं कि अगर जो गवाही देंगे तो जान मरवा के जान से मरवा के फेंकवा दूँगी। इसका भी मुकदमा हुआ है। ललिता कटियार और तेज प्रताप ने दोनों मिलकर जमानत कराई है कसियाँ से। और उसके बाद से डेली ये जाते थे, हमको शनिवार को बिजली मार है। मैं जिला पे भर्ती था, पेट्रोल पर 2 दिन भर्ती था, मैं आया तो तुरंत आके हमसे मिले, बोले कोई भी परेशानी होगा बताना। डेली सुबह शाम जाते थे, हमसे मिलते थे, स्कूल जाते समय हमसे बात करते थे 2-3 मिनट रुक करके। आज हमको देखे नहीं, मैं टॉयलेट कर रहा था कहीं पीछे घर के, तो नहीं देखे, चल गए। घूम घूम के ताक रहे थे लेकिन नहीं रुके तो चले गए। और ठीक उनके जाने के 2 मिनट बाद मैंने जाके सड़क के किनारे चरपाई पे लेटा, और चरपाई पे लेटने के कितने बजे गए थे? 8 बजे सुबह में पढ़ाए जाते रहे रोज डेली। अब तबियत रात भर खराब रहे, आठ को मरे रहे। अब जब तब जब गरीब आदमी तो पैसे कहीं जाए नहीं, तो पाई कैसे घर में बैठे रहे नहीं। अब कह रहा कह लगा रोज रोज निशाना लगा लगा ना, कौने रास्ता जाता कौने रास्ता जाता। आज बुझाता हूँ ना सर गोई लाई, जब कहीं ना थी जा कोई जब बैठा लला बोला के पास एक पेड़ तर पास एक तर गाड़ी को पास हेल बना को अब वही जब जब पूछ ले बना घीच के ले आ गए सोचे जंगल में मार ले बना किस स्कूल पर आ रहा है ना जीवन पर तो क्या अब क्या आप लोग चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं यहाँ के शासन से, क्या चाहते हैं? हम का बताएं, हम तो जाने के बदला जान चाहिए रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते नहीं, हमारा कुछ से मतलब है। गरीब बाबू बानी भीख मांगे तब कबो खाए जाने भीख पाए, लेकिन हम उनके छोड़ना नहीं चाहते, जैसे हम रहे वैसे वो रहे सब कुछ। श्री राधेश्याम शर्मा जी जो पत्रकार भी थे और एक शिक्षक भी थे, उनकी जो निर्मम हत्या हुई है उस पर हम दुख व्यक्त करते हैं, और हमारी समाजवादी पार्टी ये दुखी परिवार के साथ खड़ी है। और सरकार से हमारी मांग है कि मृतक परिजनों को 20 लाख रुपये आर्थिक सहायता, और इनके परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी, और हत्यारे कोई भी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। रही बात आए दिन हत्या की, तो इस सरकार में न पुलिस सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित हैं, न लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार ही सुरक्षित हैं।
कानून का राज अलापने वाले को देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इस समय हत्या प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। अभी यहीं से थोड़े दिन पहले देवरार पिपरा में एक नौजवान व्यापारी की हत्या हुई और हत्या करने वाले 25 दिन के बाद पकड़े गए। कहीं न कहीं कानून की लचर व्यवस्था का देन है कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं और लोग असुरक्षित हैं। पिछले दो महीने में आप देख रहे हैं कि लगातार हत्या और हत्या के प्रयास का दौर बढ़ता जा रहा है, मतलब लगातार इधर सीरियल किलिंग टाइप की चीज़ें होती जा रही हैं। जब से सरकार बनी है आपने देखा होगा कि सहारनपुर के एसएसपी के ऑफिस में घुस करके सांसद ने एसएसपी को अपमानित किया। जब एसएसपी अपमानित होंगे, जब पुलिस सुरक्षित नहीं रहेगी तो जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। इसलिए दो महीने के अंदर तो कुशीनगर में एक दर्जन से ऊपर हत्याएं हुई हैं और सभी का पर्दाफाश होना चाहिए और इस कानून व्यवस्था पर जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कहीं ना कहीं इसे प्रशासन की चूक माना जाए? सरकार और प्रशासन दोनों की चूक से हत्याएं हो रही हैं। ठीक, थैंक यू। थाना हाटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिकटिया निवासी श्री राधेश्याम शर्मा जी, जो तसिया ग्रामीण क्षेत्र में आज दैनिक समाचार पत्र में रिपोर्टिंग किया करते थे और एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण का भी काम करते थे, आज सुबह घर से निकले थे तो गांव अपने गांव के बाहर दूसरा गांव दुबोली लगता है, यहाँ खड़ंजे पर बांस और सागौन एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ गन्ने की फसल पड़ी है, काफ़ी वहाँ सन्नाटा और एकांत है। वहीं पर उनकी हत्या किसी धारदार हथियार से कर दी गई थी और उनकी डेड बॉडी खड़ंजे पर ही पड़ी पाई गई थी। पास में उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी और मोबाइल वगैरह भी उनका वहीं पड़ा था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची और घरवाली बन के आ गए, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री और उनके भाई भतीजे सभी लोग आ गए थे। इस उनके द्वारा जो सूचना दी गई उस सूचना के आधार पर पाया गया कि गांव में इनकी रंजिश कुछ लोगों से चली आ रही है पहले से और रंजिश बस उन लोगों का प्रयास काफ़ी दिन से चल रहा था इनके खिलाफ कुछ करने का। उनकी पत्नी का कहना था कि ये मैं बार बार कहती थी कि आप इस संबंध में कुछ करिए तो वो कहते थे नहीं कुछ नहीं होगा, कोई डरने की बात नहीं और वो निश्चिंत होकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आज ये घटना घटित हो गई। इस घटना में मुकदमा अपराध संख्या 412/15/19 धारा 302/34 का थाना हाटा पंजीकृत कर लिया गया है। दो अभियुक्त नामजद हैं जिसमें से एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरे अभियुक्त के घर से डग स्क्वाड जो मौके पर गया था उसकी निशानदेही पर रक्त रंजित कपड़े बरामद हो गए हैं जिसको पहन करके अभियुक्त ने हत्या की है और वो दूसरे कपड़े बदल के अपने वहाँ से फरार हो गया था। उसके पीछे टीम लगी हुई है, शीघ्र ही उसको भी हिरासत में ले लिया जाएगा। कारण क्या है इस हत्याकांड का? कारण मैंने बताया कि परंपरागत रंजिश चल रही थी, पड़ोस के लोग हैं और छोटे छोटे मुद्दे पर हर बात में आपस में तनाव बन जाता था और बेसिकली इसके पीछे ये था कि उनके खेत भी पास में थे, घर भी पास में था तो कोई न कोई बहाना मिल जाता था और गाँव में जब भी दूसरा पक्ष किसी के साथ कोई मनमुटाव होता था तो ये दूसरे पक्ष के साथ खड़े रहते थे, ये भी एक तनाव हो जाता था। लगातार ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसको रोकने का क्या प्रयास किए जाएंगे? नहीं, मैं भले ही पुलिस पकड़ ले रही है, अनावरण कर रही है, स्पष्ट कर दूं कि ताबड़तोड़ घटना नहीं हो रही है। इसके पहले घटना हुई थी, आपको याद होगा, कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दिल दहना देने वाली घटना सामने आई है। आज अखबार के पत्रकार राधेश्याम शर्मा जी को अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। देखा जाए तो कुशीनगर में कानून व्यवस्था पूरे तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन लूट तो आए दिन हत्या हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर के चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं, लेकिन इनके द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरे तौर से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएमएन न्यूज के साथ टीपू सुल्तान कुशीनगर से। महुआ जिले के रोडवेज बस चालक की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है।
बस स्टैंड के बाहर एक महिला को बस ने कुचल दिया। घटना के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाने की बजाय चालक बस लेकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। और क्या पूरा मामला था? ये शव मृतका धनवंती है जो ग्राम व थाना सकरा जिला यहाँ पे पंजा बाबा के यहाँ इलाज चल रहा था। आज सुबह ये बताया जा रहा है उनके परिजनों का कि ये शौचालय के लिए यहाँ जिला अस्पताल आ रही थी, इसी दौरान किसी बस से इनकी टक्कर हो गई। और कौन सी बस थी वो? एक बस का नंबर सुन नहीं पाया। नहीं तो कौन सी बस किसकी थी? परिजनों के अनुसार कोई रोडवेज बस। नाम है दादा, ये कौन थी आपकी, क्या घटना हुई इनके साथ? हमारी बेबच्ची थी। क्या हुआ था इन्हें? पंजा वाले बाबा ने आती थी दिखाने के लिए, सुबह बैठन आ रही थी शौचालय में, सुबह ही गेट के सामने एक्सीडेंट हुआ रोडवेज बस से। रोडवेज बस से? हाँ। रोडवेज से आया था क्या कोई? अब ये नहीं बता सकते हैं, कोई ना था उसके साथ में, वो हैदम आती थी वहीं शौचालय के लिए। अच्छा। मनिया थाना क्षेत्र में मनचले किशोर ने नाबालिग दलित किशोर की बाजरे के खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया था। इस पर शिकायत करने गए पीड़िता किशोरी की मां से आरोपी के परिजनों ने बदसलूकी की, वहीं पीड़िता की मां को वहां से भगाया। पीड़िता के 5 दिन तक दौड़ने के बाद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। ऐसा कोई उन्होंने हमारे यहाँ शिकायत नहीं किया। जी पूरे मामले में सर क्या आपका स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड यही रहेगा कि जो बच्चे हैं ये सामाजिक हमारी अच्छाई बुराई है, छोटे नाबालिग बच्चे हैं, इनसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं, इन्हें इस स्तर पे अपराध के रूप में न देखा जाए और न उन्होंने कोई अपराध किया है। यद्यपि ये कानून की निगाह में अपराध है वो अलग मैटर है, तमाम छोटी मोटी समस्याएं सामाजिक स्तर से निस्तारित होनी चाहिए, यही उचित। सर इसमें तहरीर मिल गई है? हाँ, तहरीर मिल गया, मुकदमा कायम है। सर ठीक है, मुझे क्या नाम है बेटा? पिंकी पासवान। कहाँ की रहने वाली है? भद्रक रहने वाली। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा साथ यही हुआ था कि मैं शौचालय गई थी तो मेरा वहाँ पकड़ कर मेरे को पटक कर जो नेडी में और मेरे से बलात्कार किया है। कितने दिन पहले घटना है? 10 सितंबर का घटना है ये। पुलिस में गई थी आप? जी गई थी। मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं हुआ, 5 दिन मेरी मम्मी दौड़ी थी उसके बाद किए थे। कितने दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ? 25 दिन बाद किए थे। मेडिकल उठकर हुआ? मेडिकल हुआ? हाँ हो गया है। बलिया जिले के गांधीनगर में दुर्गा माँ का हर साल पंडाल तरीके से रखा जाता है और यहाँ विशाल रूप से भंडारा का आयोजन भी किया जाता है। वहीं आयोजन कमेटी के भक्तों ने कहा कि हम लोग मां की प्रतिमा रखकर बहुत ही खुशी मिलती है। आपने एक छाप पढ़ के बताइए। मेरा नाम राजकुमार सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ और दुर्गा जी के संस्थान में हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, जब से पूजा हो रहा है तब से जुड़ा हूँ जी। ये कितने साल हो गया? 24 साल हो गए। 24 साल जी। इस शुभ अवसर पर क्या कहेंगे देशवासियों को हमारे? शक्ति का पर्व है, शक्ति की पूजा है और साथ में नारी स्वच्छता का संदेश देना चाहेंगे। स्वच्छ भारत के साथ जुड़े और स्वच्छ रहें और शक्ति का अपने जीवन में प्रयोग करें अच्छे कार्यों के लिए, बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए। आज के युग में जिस तरह से लोग भटक रहे हैं, इसमें क्या करेंगे आप? तो इसी के लिए तो ये पूजा किया जा रहा है कि लोगों का भटकाव कम हो, असुरों पर शक्ति का वो राज्य स्थापित हो, रावण का वध होगा। आपका पर्चे बताइए। मेरा नाम विकास कुमार बिक्की है, मैं इस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, मावक सेवा समिति गांधीनगर सिविल लाइन। आज कमेटी के माध्यम से आप क्या कहेंगे? मैं कमेटी के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहले लोगों को श्रद्धा के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ और दूसरी बात यह है जो आजकल कन्या हत्या हो रहा है, पेट में लोग कन्याओं को मार देते हैं और आकर यहाँ पर माता का पूजा करते हैं, मैं इस कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा
इस कमेटी के तरफ से मैं सबको यह संदेश देना चाहता हूं कि कन्या हत्या बंद हो और कन्याओं के प्रति जो आपत्तिजनक लोग हैं, जो बात विवाद करते हैं, वो सब बंद हो और कन्याओं को समाज में एक अच्छा सम्मान दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जिस तरह माँ जगत जननी कन्या होकर अत्याचारियों को वध कर चुकी है, इस तरह इस समाज में अत्याचारियों का भी वध। जैसे सुनने में आता है कि आज माँ दुर्गा के बच्चियों को माँ के रूप दिखाया जाता है, उसी बच्चियों को कहीं हवन किया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? मैं इस यह कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग कल कन्याओं को अपने पेट में मारते हैं, आज वो लोग घर घर से 9 लड़कियों को ढूंढ कर लाते हैं पूजा करने के लिए, और उस दिन मार देते हैं, और आज कन्याओं को लाते हैं ढूंढ कर पूजा करने के लिए। अगर जो ऐसी मानसिकता है तो तुम्हें ऐसी पूजा पाठ करने का कोई कतई हक नहीं है। ये एक और जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आवारा पशुओं के लिए लाखों करोड़ों रुपए उनकी देखभाल में गौशाला पर खर्च कर रही है, वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम दोधनी में आवारा पशुओं की दुर्गति हो रही है। चरतावल क्षेत्र में आवारा पशुओं की सूद लेने वाला कोई नहीं है। 15 दिनों से लगातार सूचना देने पर भी कोई अधिकारी नहीं आया। रामपुर जिले में तहसील पटवाई क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव मंडियान कली गांव के एक खेत में मिला। युवक की शनाख्त प्रेम शंकर गांव मंडियान कली के रूप में हुई। सूत्रों के अनुसार 7 दिनों पहले आपसी विवाद को लेकर आज अज्ञात लोगों ने स्थानीय से मार मार कर प्रेम शंकर की हत्या। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं जांच में जुट गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं थाना पटवाई के ग्राम मैदान के लिए क्षेत्र का रहने वाला हूँ जी। मैं यहाँ पर अपने भाई की लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए आया हूँ, जिसका पिछली रात मर्डर कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पर आया। मर्डर किसने किया? मर्डर करने वाले मेरे गांव के ही हैं, और एक का नाम सोनू है, एक का नाम दानू सिंह, एक का नाम राजू, और उसके फैमिली से है कुछ। पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी रंजिश नहीं थी, बस 8 दिन पहले बच्चों में झगड़ा हो गया था, और कहा जाए तो सब बच्चे ही हैं, मरने वाले भी। तो इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दिया? हाँ, इसकी रिपोर्ट पटवाई थाने में दर्ज करा जा चुकी है, बस पंचनामा होने के लिए गए, उसके बाद में कुछ हो गया। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट के प्रमाण से अज्ञात झांसी पुष्पेंद्र यादव को पुलिस द्वारा दिए गए इनकाउंटर के विरोध में भारतीय यादव महासभा प्रदर्शन कर अखिल भारतीय यादव महासभा ने जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पुष्पेंद्र यादव की जो हत्या हुई है उसको लेकर अखिल भारत भारतीय यादव महासभा ने पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में धरना और प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है। पुष्पेंद्र यादव के जो हत्यारे हैं धर्मेंद्र सिंह चौहान, जब तक उनको सजा नहीं होती, 302 का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी है। किस बैनर तले आप लोग? अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, जिसका संगठन सन 1924 में से बना हुआ है। कौन कौन दोषी है, इसमें किसके खिलाफ मांग कर रहे हैं? झांसी जनपद के SP और इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान, जो सगे रिश्तेदारों में है, मतलब ये उन्हीं के इशारे पर हत्या की गई है। काउंटर नहीं हत्या है, काउंटर नाम में हत्या। क्या नाम है आप? राजेश चौधरी, अध्यक्ष यादव महासभा इलाहाबाद मंडल। तो यहाँ एक ज्ञापन देने आए जिलाधिकारी को, किस मांग को लेकर? पुष्पेंद्र यादव की हत्या, इनकाउंटर जबरन किया गया, 140 यादवों की हत्या हुई, दलितों की भी हत्या हुई, ब्राह्मण की भी हत्या हुई। अरे योगी सरकार जबरन हत्या करवा रही, काउंटर करवा रही, ये कोई अच्छी बात है? जो आज इतने दलित हों, चाहे BC हों, चाहे सामान्य हों, सबकी बात है। जो इनके कहने पर नहीं चल रहा उनका इनकाउंटर या जेल में डाल दो, इतना ही इनका पेशा है। अरे योगी जी, मोदी जी, तो आपकी जैसी सरकार कहीं नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, वो भी BJP के रहे, मगर इतने हत्याएँ, इतने बलात्कार कहीं नहीं हुए। योगी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अबे उन्नाव में बेटी के साथ तो अत्याचार हुआ, आज तक विधायक को बचाने के लिए पूरी साजिश उसको बचाने के लिए कर रहा है। तो किस तरह की मांगे हैं आज आप? हम लोगों की मांगे हैं कि जो इनकाउंटर जबरन किए जा रहे हैं, अब उनकी पत्नी बहुत कम उम्र की है, पहला बच्चा उसके पेट में है, बताइए उसका निवारण कैसे होगा? तो योगी जी जब इनकाउंटर करा रहे हैं 2-4 करोड़ रुपया उनका मुआवजा दे, हम लोगों की यही मांग है। कार्रवाई की भी कोई
दरोगा है उसके खिलाफ कार्रवाई, मुकदमा लिखा जाए उसके खिलाफ और उसकी जांच जो है एक सिटिंग हाई कोर्ट जज, जबकि जिला अध्यक्ष की दरोगा की बराबर बात मैं मोबाइल पे आ रहा था, पूरी बात जितनी जितनी हुई बताइए खुलेआम, खुलेआम हत्याएं हो रही। क्या नाम है आपका? केतकी सिंह यादव। वही खबरों में बात करते हैं यूपी के सिद्धार्थनगर के, जहां पर जिला अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह शाह ने अचूक निरीक्षण किया, जहां पर परिसर की साफ सफाई को लेकर वे खास असंतुष्ट दिखे। इस मामले को लेकर सीएमओ व अस्पताल के कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। दो दिन से मैं जनपद के मुख्य रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का, 2-3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, और आज मैं सुबह से निकलने के बाद अभी मैं यहाँ पर जिला अस्पताल पर मैं पहुँचा हूँ। इन सभी पर मुख्य रूप से मेरा ध्यान ये रहता है कि जो भी वर्तमान स्थिति है उन अस्पतालों में, एक तो मैन पावर को लेके है, तो डॉक्टर की उपलब्धता उस मानक अनुसार उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में, दूसरा वहाँ पर जो उपकरण लगे हैं वो सुचारू रूप से चले, तीसरा दवाइयों का भरमार रहे जिसमें सब पेशेंट को दवाई मिल सके, और उसके ऊपर मैंने रखा है कि सफाई की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। इस अस्पताल में भी थोड़ा बहुत हम घूमे हैं, अभी ज़्यादा तो हम नहीं जाएंगे, मगर जो भी मैं पहले भी आता था देखता भी था, यहाँ सफाई की अभाव है। मैं सभी जगह जाके डॉक्टरों से यही बोलता हूँ कि जब अस्पताल में गंदगी फैलेगी तो एटलीस्ट 60% आपको इन्फेक्शन तो वहीं से हो जाएगा, और जो पेशेंट आते भी हैं हमारे, अगर किसी से उपचार कराते हैं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन उसी में आ सकता है। इसलिए मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरे साथ कल से ही चल रहे हैं, मैं उनके माध्यम से और सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आज आपके मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एक लखनऊ की बैठक में चले गए, अन्यथा मैं सबको ये ध्यान दिलवा रहा हूँ कि जो भी हमारी सफाई व्यवस्था है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कायम करना है, और सबसे पहले पूरे परिसर को एकदम पूरी तरह से साफ रखना अब बहुत ही आवश्यक है, ताकि उससे हमारा गंदगी कम हो। और बाकी जितने भी जो कमियां आ रही है, बहुत जगह बिल्डिंग हम लोगों ने देखा है जो जर्जर हालत में, बहुत जगह हमने देखा है कि जहाँ पानी पूरा पी रहा है, इस बिल्डिंग में भी कई जगह प्रॉब्लम आ रहे हैं, नए वो यूनिट्स बन रहे हैं, तो कमियां तो इसमें बहुत सारे हैं जो हम अपने दिमाग में रखे। हम लोग पूरे प्रदेश का एक बैठक भी बुलाने जा रहे हैं अगले सप्ताह में लखनऊ में, जहाँ सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी आएंगे, सबकी समस्या सुनना, उन कहाँ जो कमियाँ हैं, और मूल रूप से मैं यही चाह रहा हूँ कि कम से कम जो हमारा वर्तमान चिकित्सालय है छोटे से बड़े वो सुचारू रूप से चले, मैन पावर से लेस रहे, सारे उपकरण जो मानक के अनुसार होना चाहिए वो जरूर रहे, और उनके सामने जहाँ जहाँ भी जनता है उनको पूरा उपचार मिले, ये हमारा। मंत्री जी, 15 दिन से पैरासीटामॉल सिरप इस अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। दवाइयों का उपलब्धता तो मुझे लगता है 80% आ रहा है सब जगह, पैरासीटामॉल आ रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं जानकारी है, थोड़ी सी कमी है सर। आज आप क्या